नमस्कार बच्चों, स्कूल के इस साइंस वीडियो में मैं अनंत नारायण तिवारी आपका स्वागत करता हूं। और विज्ञान को तीन भागों में बांटा रहता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है और जीव विज्ञान होता है। तो मैं आप लोगों को भौतिक विज्ञान का जो बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला पार्ट है प्रकाश, उसकी मैं चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और ये वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें। अंत में इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो प्रकाश हमारे सामने पहला दिया गया है, प्रकाश आखिर होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या बच्चों? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिससे हमें देखने की क्या होती है? संवेदना होती है। कहने का मतलब ये है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता होती है। माने प्रकाश हमारा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हमें क्या होती है? देखने की क्या होती है? संवेदना होती है। प्रकाश प्रकाश का कुछ अपना महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिस गुण के कारण ही वो कुछ अनोखी रहती है। तो प्रकाश के कई सारे गुण हैं। पहला ये होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, पहला। दूसरा, प्रकाश जो होता है चमकदार परावर्तक तल पे क्या करता है? परावर्तन करता है। प्रकाश क्या करता है? चमकदार तल पे क्या करता है? अगर उसको कोई तल मिल जाएगा तो उस पे वो परावर्तित होती है। तीसरा, प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का वैद्युत चुंबक तरंग होता है, जिसको जिसके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, कई चीज होती है जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि को भी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और ध्वनि के बाद उष्मा को भी संचरण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रकाश एक ऐसा है जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पेपर में प्रश्न भी आता है किसी किसी साल की प्रकाश को क्यों, प्रकाश संचरण के लिए क्यों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? इसलिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबक तरंग है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। लाइट क्या है? प्रकाश एक क्या है? वैद्युत चुंबक, चुंबकीय तरंग है। और इसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के कारण, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही क्या होता है? प्रकाश को संचरण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। किसी किसी किताब में 8 मिनट 24 सेकंड भी लिखा रहता है, किसी किसी किताब में 8 मिनट 30 सेकंड भी लिखा रहता है। लेकिन सूर्य से जो प्रकाश होते हैं उसको पृथ्वी तक आने के लिए 8 मिनट 29 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश, अब इसके बाद हम अगला चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। होता क्या है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मैं आमतौर में बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आप कोई चीज को, जैसे हम मान लें गेंद ही है, हम उसको दीवार पे अगर मान रहे हैं, अगर फेंक रहे हैं, तो जो वापस जो रिफ्लेक्ट होके आती है, टकरा के जो वापस आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट कहते हैं। तो प्रकाश में ये गुण होता है कि वो चमकदार पृष्ठों पर या कोई जो पृष्ठ मिलता है तो उस पृष्ठों पर क्या होती है? वो परावर्तित होकर वापस आती है। ये परावर्तन होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है?
तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराकर, फिर ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है या लौटने की कोशिश करती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने ये बोला कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आती है दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की कोशिश करती है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में होता क्या है तो भी देखिए, ये कोई मान लीजिए तल है, ये कोई किरणें आ रही हैं और यहां से टकरा क्या हुई है, यही किरणें चल जाए, ये किरणें आए, जो किरणें आती हैं उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसे हम लोग इंसिडेंट रे, और ये टकरा के जा रही है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, किरणें आ रही हैं टकरा के फिर उसी माध्यम में भी जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में हम खींचते हैं अभिलंब। अभिलंब सदैव 90 अंश का होता है, इसको कहते हैं अभिलंब। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसको अंग्रेजी कहते हैं नार्मल। तो यही देखिए, प्रकाश की किरणें आ रही हैं टकरा के फिर उसी माध्यम में चल जा रही है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन यही होता है। किरणें आती हैं टकराती हैं फिर उसी माध्यम में चल जाती हैं, और ये अभिलंब होता है जो दोनों को बांटने के लिए होता है। अभिलंब हमेशा 90 अंश का होता है, इसको काल्पनिक होती है जिससे दोनों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अब इन दोनों के मध्य एक कोण बन रहा है, नहीं कोण बनता है, कोण की परिभाषा भी यही है कि दो सरल रेखा के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इस कोण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से, और इन दोनों के बीच भी एक झुकाव बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी कोण ही होता है, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा जो आई है इसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं हिंदी में। कौन सा कोण कहते हैं बच्चों, आपतन कोण। अंग्रेजी में कहते हैं आई है तो इंसिडेंट एंगल, उसके बाद आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपतन कोण, हो गया ये, हो गया परावर्तन कोण। परिभाषा कोई पूछे आपतन कोण का क्या होगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आर इसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसका परिभाषा, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं,
परावर्तित किरण, यही है। देखिए प्रकाश का परावर्तन यही होता है, किरणें आई टकराए फिर उसी माध्यम में लौट गई, और इसके बीच में ये अभिलंब होता है इसको बांटने के लिए। ये जो आई देख रहे हैं, आई क्या होता है, आई है हमारा आपतन कोण, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव बनता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपतित आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, या परावर्तन कोण कहते हैं हम, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, और ये लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला अभी देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, समझे परिभाषा, मतलब कि नियम समझे। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन एक ही तल पर होते हैं, मतलब अभिलंब, लेकिन नहीं, आपको लिखना पड़ेगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो देख रहे हैं बिंदु, ये आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम है। दूसरा क्या नियम है बच्चों, दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि इंसिडेंट एंगल एंड इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। बस आज के लिए इतना ही, इतने और मैं हाँ huh?